हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो है केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स प्लस पीवाईक्यू सीरीज। टॉपिक है आईयूपीएसी नेम ऑफ 101 to 118 एलिमेंट्स। अगर आप इस वीडियो को 2 मिनट तक पूरा वॉच करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा नीट में, जेई में और 12th बोर्ड के लिए। उससे पहले मैं बता दूं, इससे पहला वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स प्लस पीवाईक्यू सीरीज का। आपको थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें हमारा टॉपिक था ओर्स ऑफ मेटल्स। उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिए तो आपका 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे डिजिट लिखे गए हैं और इसका नेम और एब्रिवेशन यानी सिंबल। आपको आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 0 का होता है नील, 1 का होता है अन, 2 का होता है बाय, 3 का होता है ट्राई, 4 का होता है क्वाड, 5 का होता है पेंट, 6 का होता है हेक्स, 7 का होता है सेप्ट, 8 का होता है ऑक्ट और 9 का होता है इन। तो आप ये डिजिट और उसके नाम को याद कर लीजिए और यहाँ पे उसका सिंबल है उसको भी आप याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको नाम लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिट का नाम प्लस उसमें IUM जोड़ना है। एग्जांपल के लिए देखिए, एटॉमिक नंबर 115 है, इसका आपको नाम लिखना है। तो मैंने क्या बताया, डिजिट का नाम और प्लस उसमें IUM ऐड करना है। 115 को देखिए, एक वन का क्या होता है, वन का होता है अन, तो यहाँ पे हम अन लिखेंगे, फिर वन है तो उसका अन लिखेंगे, फाइव है, फाइव का क्या होता है, पेंट, तो यहाँ पे पेंट, और प्लस मैंने क्या बोला, IUM उसमें ऐड करना है, उसमें IUM ऐड करेंगे तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अन अन पेंटियम, ये हो जाएगा उसका नाम और ये हो जाएगा उसका सिंबल। अब आपको दिखा रहा हूँ, 101 का नाम लिखना है तो 101 पहले वन का क्या होता है अन, 0 का क्या होता है नील और 1 का क्या होता है अन, और मैंने क्या बताया उसमें आपको IUM ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा उसका IUPAC नेम। जैसे 102 का नाम लिखना है तो 1 का क्या बताया मैंने अन, 0 का नील, 2 का बाय, प्लस IUM उसमें ऐड करना है तो ये हो जाएगा उसका IUPAC नेम। आप 105 का नाम लिखिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, PYQ क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। तो आपके पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप बताइए कि क्या होगा आंसर। तो मैंने आपको क्या बताया, डिजिट का नेम और उसका डिजिट और उसका नाम और उसका सिंबल। तो 1 का क्या बताया मैंने, अन, तो अन हो जाएगा, फिर 1 है तो अन, 9 का क्या होता है इन, और प्लस उसमें मैंने क्या बताया, IUM ऐड करना है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। और लास्ट में एक आता है ये, आप यहाँ से देखिए, मैंने 101 से लेकर के 116 तक उसका नोमेनक्लेचर वाला नाम, सिंबल और उसका IUPAC ऑफिशियल नेम और यहाँ पे सिंबल मैंने आपको दे रखा है। इससे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था करेक्ट और इनकरेक्ट वाले ऑप्शन में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से वॉच कर लीजिए, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स प्लस PYQ सीरीज, इस सीरीज को जारी रखने के लिए नीचे कमेंट में लिखो कंटिन्यू सर। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए दूसरा किसी टॉपिक का, तो नीचे कमेंट करें कंटिन्यू सर।